सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत गुलशन प्लाजा के सामने एक समूह ने अचानक आकर फिरियादी और उसके दोस्तों पर हमला किया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत मारपीट का मामला सामने आया है। वादी और उसके दोस्त राहुल नारनवरे, मयूर सोनवने और रक्षित 18 जून को रात 11:15 दो अलग अलग दोपहिया वाहनों से बिरयानी लाने गुलशन प्लाजा के सामने गए थे, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से वे वहां से वापस निकले ही थे कि अज्ञात समूह ने 4-पहिया वाहन से उतरकर वादी और उसके दोस्त पर हमला कर दिया। इसके बाद भीड़ ने उनकी पिटाई भी की। उनमें से एक ने जानबूझकर वादी को पत्थर फेंककर गाड़ी से गिराया और उसके सिर पर, कमर के नीचे और पीठ के पीछे चाकू से वार किया। मामले की सूचना सीताबर्डी थाने में दी गई। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। फिरियादी आरंग साहिल मिरकपार हे एक दिनांक 19 तारखेला रात्री 1 वाजता दरम्यान गुलशन प्लाजा समोर जेवण घेण्यासाठी आले होते, तेव्हा त्यांना काही अज्ञात युवकांनी धारदार शस्त्राने मारून जख्मी केले होते। त्यांच्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन येथे कलम 143(47), 149 कलम 326 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता। सदर गुन्ह्याच्या तपासात आपल्याला अशी माहिती मिळाली की हॉटेल राजसन्स अँड बार टेकडी रोड येथे काही युवकांचा अज्ञात युवकांसोबत भांडण झालं होतं। त्या भांडणाचा राग म्हणून आरोपींनी साहिल मिरकपार व त्यांच्या मित्रावर हल्ला करून त्याला जखमी केले होते। सदर गुन्ह्यात 19 आरोपी अटक करण्यात आले आहे व 2 विधी संघर्ष बालकांना सूचनापत्र दिले। 19 आरोपी अटक आहे। आरोपींचे नाव आहे सुमित शंकरलाल यादव मानकापूर, करण बबन गौर राहणार इमामवाडा, यश उमरेटकर राहणार शिवमंदिर मानकापूर, विजय बळराम जयस्वाल राहणार रामकुलर कोतवाली, विपिन राजेंद्र शिर्के राहणार हिस्लॉप कॉलेज महल, अमोल शिरसिकल राहणार पाचपावली आणि 2 विदेश संघर्षग्रस्त बालक हो फुटेज ताब्यात घेण्यात आलेले आहे आणि बाकी तपास सुरू आहे। VKB न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट।